या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। पहले से इस रिकॉर्डिंग से पहले एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसका लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी होगा, लेकिन अभी उसको कोई टच भी मत कर देना जब तक ये वीडियो मुकम्मल ना देख लो। सवाल इसके अंदर दो लिए जाएंगे, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपर लोग पूछते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं उसके अंदर गैर महरम ख़वातीन की फ़ोटोज़ लगानी पड़ती हैं और कभी कभी क्लाइंट की डिमांड होती है कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाते हैं तो उसके अंदर जो है ना प्रोडक्ट की फ़ोटो वगैरह ऐड करवाते हैं, तो ये लगाना कैसा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर क्लाइंट थीम को बाई करता है तो उस फोल्डर को फिर बाद में अपने लिए इस्तेमाल करना कैसा। और ये बहुत कॉमन जनरल सवाल है जो वेब डेवलपमेंट के हर बंदे को इसका जो है ना सामना दर पे होता ही है। सबसे पहले जो ख़वातीन की फ़ोटो लगाने से रिलेटेड बात है, तो अगर कोई बंदा वेबसाइट बनवाता और जनरली उसके अंदर इमेजेस जो है ना इस्तेमाल होती हैं, अगर कोई अपने ख़ास ऐसी कंपनी के वेबसाइट बनवाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कॉल सेंटर के तौर पे या दूसरे किसी तौर पर ख़वातीन की फ़ोटोज़ जो है ना इस्तेमाल होती हैं, तो उसका फिर लगाना बेपर्दगी की इमेज होती हैं क्योंकि अंग्रेज़नों की इमेजेस होती हैं सारी, तो वो उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये वेब डेवलपमेंट लगाते हैं। तो इसके अंदर दो तरीके के काम हो सकते हैं वेब डेवलपमेंट में इमेज लगाने के ताल्लुक से कि एक तो ये होता है कि आपने एक फ़्रेमवर्क तैयार करके दे दिया, यानी कि वेबसाइट को बूटस्ट्रैप पे पूरा रेडी कर दिया, बैकअप से सारी कोडिंग वगैरह तैयार कर दी और उसको एक एडमिन पैनल दे दिया जहाँ से वो उसको सेक्शन बता दिया कि यहाँ से इमेजेस लगेंगी, यहाँ टाइटल डलेगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन डलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड होंगे। लेकिन आपने सिर्फ उस फ्रेमवर्क को कोडिंग के थ्रू या बूटस्ट्रैप के थ्रू इंस्टॉल करके और सेटअप करके उसका दिया है, लेकिन आपने इमेजेस उसके अंदर कोई नहीं लगाई, सिर्फ कोड आपका बैकअप में लिखा गया है। अब ये जब उस वेबसाइट वाले पे जाएगा, अब ये उसकी मर्ज़ी है कि उसमें वो कौन सी इमेजेस यूज़ करे या इमेज के बदले में क्या यूज़ करे। असल में इमेज तो एक बैनर का प्लगइन होता है, अब उसके अंदर बैनर के तौर पे आप या स्लाइडर के अंदर आप फ़ोटो लगाओ या कुछ भी टेक्स्ट लिख के इमेज जेपीजी करके लगाओ, सिस्टम उस चीज़ को नहीं समझता, वो लगाने वाले के ऊपर बात है। तो अगर ये बैकअप वाला मामला है तब तो इसका बनाना और इसको कमाना इसके ज़रिए से ये जायज़ है, ये इसकी पहली सूरत है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको इमेजेस भी वो बंदा देगा और आपको लगानी ही है, उसको सेट करना है कि आपको इस इमेज पे, या फिर फ्रंट एंड भी आपको रेडी करना है, फ्रंट एंड के ताल्लुक से जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो भी आपको लगाना है जिसके अंदर ख़वातीन की फ़ोटोज़ वगैरह भी होती हैं। तो इस सूरत में उनको लगाना जायज़ नहीं है, उनको लगा के पैसा कमाना भी जायज़ नहीं है क्योंकि ये एक तरीके से गुनाह है जारिया भी है और ये बेपर्दगी का मामला है जिसकी शरन इजाज़त नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट में लोग इस किस्म के मामले से बच पाएँ तो बहुत नामुमकिन है बहुत हद तक, क्योंकि अक्सर वेबसाइटें जो है वो इसी किस्म की बनती हैं कि जहाँ फ्रंट एंड भी तैयार करना पड़ता है और उसके अंदर इमेजेस लगानी पड़ती हैं। तो वेबसाइट फिर उन्हीं लोगों से बनवाने के लिए मतलब प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें उन लोगों का कि पहले कंटेंट को समझ लें कि इसमें डाला क्या क्या जाएगा और इमेजेस के बारे में भी ख़ास पता करें। और दूसरी बात, इमेजेस का एक ख़ास मसला नहीं है, इसके साथ दूसरा ये भी हो सकता है कि वेबसाइट वो ऐसी चीज़ प्रमोट ना करती हो कि जो नाजायज़ और गुनाह और हराम का काम है। मिसाल के तौर पे कोई बियर की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई एक वेबसाइट तैयार करनी है, उसमें इमेजेस लड़कियों की नहीं होंगी लेकिन ये इमेजेस हैं शराब की, अलग अलग जो है ना उसकी ब्रांड है और उसको प्रमोट करना उससे रिलेटेड वेबसाइट है, तो जाहिर है कि उसके अंदर इमेजेस शराब की बोतलों की लगेगी और ये नाजायज़ और हराम काम के लिए वेबसाइट है, तो ये भी हो। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती हैं और उसका फ्रेमवर्क तैयार करके दिया जाएगा, बंदा एडमिन पैनल में से ख़ुद प्रोडक्ट डालेगा, इमेज डालेगा या स्लाइडर के अंदर फ़ोटोज़ जेपीजी की फ़ाइल डालेगा, तो बैकअप में कोड तैयार करके दे देना बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि इमेजेस जो है ना नामहरम की इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका लगाना जायज़ नहीं है वेब डेवलपर को। दूसरा ये था थीम के ताल्लुक से, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है कि क्लाइंट अक्सर क्या करता है कि थीम का फ़ोल्डर ऑनलाइन बाई करा क्लाइंट ने, जो उसको थीम पसंद आई वेबसाइट के लिए, अब ये ज़िप फाइल जो है ना डेवलपर को मेल कर देगा अपनी मर्ज़ी से ख़रीदी हुई, डेवलपर इसकी थीम को अप्लाई कर देंगे इसके वेबसाइट के ऊपर। अप्लाई करने के बाद क्योंकि ये कॉपी पेस्ट वाला मामला होता है थीम का, फ़ोल्डर तो इसके पास से ज़ाया होने का नहीं, तो इसके सिस्टम ये भी है, फोल्डर जो बचा है वेब डेवलपर क्या करते हैं इसी थीम को दूसरे क्लाइंट को इस्तेमाल करा देते हैं। मतलब ये समझ लें कोई PDF है किसी को मेल करेंगे तो असल में वो एक अपने पास भी रहेगी, उसकी कॉपी बन के दूसरे के पास जाएगी, तो अगर वो उसको आगे भी शेयर करता रहे तो उसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो इसमें करना ये चाहिए कि जिस बंदे ने क्लाइंट ने आपको फ़ोल्डर बाय करके थीम का दिया है, आप उसकी थीम के दूसरी जगह इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। और ये भी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो वेब डेवलपर जो हैं वो शायद नहीं लेते। अगर अपनी मर्ज़ी से क्लाइंट थीम को बाई करता है और ख़रीदने के बाद उनको फ़ोल्डर भेजता है तो वो उस थीम को उसकी वेबसाइट पे तो इस्तेमाल कर ही देते हैं, लेकिन साथ में वो आगे अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड करते हैं और बाद में दूसरे क्लाइंटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि शरन जायज़ नहीं है। तो इसमें करना ये चाहिए कि जिस बंदे ने आपको थीम भेजी है, इसमें पहला काम ये कर लें कि उससे इजाज़त ले लें इस चीज़ की कि भाई आप ये थीम डालने के बाद उससे बात कर लेंगे, आपकी थीम डल गई, वेबसाइट तैयार हो गई, अब ये फ़ोल्डर जो आपने मुझे थीम का भेजा है इसको मैं डिलीट कर दूं या मैं इसको अपने लिए रख लूं या मैं इसको ले लूं, डिलीट कर दूं, ठीक है। तो अगर वो बंदा बोल देगा जनरली केस में कि ठीक है आप रख लो, मुझे इसका क्या करना है, और उसके पास तो वैसे भी होगा मेल में जब भेजा होगा तो कॉपी उसके पास भी रहती है, तब तो आप उसको अपने पास रख लीजिए और उसको इस्तेमाल कर लीजिए, उसकी परमिशन मिल जाए तो। और अगर वो बंदा कहता नहीं आप इसको मैंने बाई करी, आप इसको दोबारा कहीं इस्तेमाल मत करना और कोई और क्लाइंट होगा तो अपना ख़रीदेगा, तब आपको वो फ़ोल्डर कहीं और इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अक्सर जो है ना डेवलपर लोग इस्तेमाल कर देते हैं एक थीम को दूसरी जगह। इसमें बचने की एक और बेहतरीन सूरत ये हो सकती है थीम के ताल्लुक से कि आप क्लाइंट को जब कोई सा भी वेबसाइट का लिंक दें कि जिसमें से आप थीम पसंद करें, उससे ये चीज़ बोलें कि आप सिर्फ इसमें से थीम को पसंद करें, या उसको लिंक के थ्रू 2-4 थीम दिखा दें कि इसमें से पसंद करें, लेकिन आप बाई ना करें। आप सिर्फ ये देख लें कि इसके प्राइस कितने हैं थीम के, सिर्फ आप रेट देखकर बता दें कि भाई ये जो 1000 वाली थीम है ये मुझे पसंद आ रही है, तो उसके बाद आप इसको ना ख़रीदें, वो अपने पास से हम लोग ख़ुद कर लेंगे। तो ये डेवलपर ना उस थीम को ख़ुद बाई करे, ठीक है, और उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब क्लाइंट के पास जाएगी कि मुझे थीम पसंद है, उससे कहेंगे आप रेट भी देख लें इसके कितने, कि 10,000 रुपये की ये थीम है, बाकी मेरा जो चार्ज लगेगा वो, ठीक है। अगर क्लाइंट तो राज़ी हो जाएगा कि ठीक है हाँ आप ये थीम डाल दो 10,000 की और बाकी जो आपका चार्ज लगेगा और वो अलग होगा, तो उसके बाद इस थीम को आप बाई करें। तो क्लाइंट बाई करके दे, इससे बेहतर ये है कि आप उसको सिर्फ लिंक दें और कहें कि कोई सी भी थीम जो आपको पसंद आती हो आप सिर्फ पसंद कर लें, लेकिन आप बाई ना करें, बाई हम अपने पास से कर लेंगे, प्राइस वही रहेगा थीम का जो आपको बाई करने में देना पड़ेगा, कोई वो नहीं है, लेकिन हम ये लोग बाई खुद कर लेंगे, तो आपको डाल वाल के सब दे देंगे, इसके अंदर इतना खर्चा आएगा। तो जब आप उस थीम को ख़ुद बाई करेगा यानी डेवलपर ख़ुद बाई करेगा तो ये फिर उसको कहीं और इस्तेमाल कर सकता है, और इससे दूसरा फ़ायदा भी होगा कि इसका पोर्टफोलियो भी बिल्ट होगा, तो इससे नई थीम उसके अंदर ऐड कर सकता है, आने वाले क्लाइंट्स को ये और ज़्यादा दिखा सकता है कि भाई मेरे पास ये थीम का कलेक्शन है, आप इसमें से देख लें। और इसके पास जो है ना कलेक्शन के अंदर कैटेगरी भी हो जाएंगी ई-कॉमर्स की और रेजिडेंशियल की और दूसरी थीम्स के लिए उसके पास थोड़ा डाटा जमा हो जाएगा। तो ये 2 सवाल थे वेब डेवलपमेंट के ताल्लुक से कि जिसके अंदर जो सूरत बनती है जायज़ वाली वो मैंने बता दें। इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी सवाल होंगे अगर इससे रिलेटेड, तो इस पर और आगे सीरीज़ जो है ना वो आती रहेगी। हो गई पूरी, अब शेयर तो आप लोग करोगे नहीं तो इसलिए कहने से भी फ़ायदा नहीं है, तो नीचे जो पहले पार्ट का लिंक है अब आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएँ, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग ख़रीदें कादरी होस्टिंग.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।